नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोस्टर चिपकाए जाने और फिर पुलिस द्वारा लोगों की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमला बोला है। उन्होंने पोस्टर में लिखी गई बातों को ट्वीट करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की चुनौती दी है। मालूम हो कि दिल्ली में बीते दिनों कुछ लोगों ने पोस्टर चिपकाए थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया था कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया था। केरल के वायनाड से सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक काले रंग के बैकग्राउंड में लिखा पोस्टर ट्वीट किया जिसमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। राहुल ने इस ट्वीट पर लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। बता दें कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं। हर गांव में मातम है, हर गली में अर्थी उठ रही है, मैयत उठ रही है, हर घर में चिंता है, हर मन में सवाल है। यह सब मौतें रोकी जा सकती, इनमें से अधिकतर मौतें रोकी जा सकती थी। यह मौतें कोई कोविड से नहीं हुई, ये कोविड के कुप्रबंधन से मौतें हुई। यह बात सबको मालूम है। आप सब मीडिया के साथी यह बात बार बार यह सवाल उठाते हैं, इससे लोगों में भी यह ज्ञान है कि यह मौतें रोकी जा सकती थी। ऑक्सीजन की कमी एक मानव निर्मित कमी थी। ऑक्सीजन की कमी इस देश में नहीं थी। ऑक्सीजन अस्पतालों में खत्म हो जाए, अंदर जो मरीज है वो मर जाए, बाहर इंतजार कर रहे हैं भर्ती होने की, यह नजारे इस देश ने नहीं देखे। यह सब रोका जा सकता। जरूरी दवाइयों के लिए लोग भटक रहे हो दर दर, उन्हें दवाइयां समय पर नहीं मिल रही हो, जाने जा रही हो, यह रोका जा सकता था। जब आप नीतिगत निर्णय ले रहे थे तब आपने वो निर्णय लेने की पूरी तरीके को का केंद्रीकरण कर रखा था। वैक्सीन निर्माताओं से मोल भाव आप कर रहे थे, निर्णय आप ले रहे थे कि कौन सी वैक्सीन, कितनी वैक्सीन। 162 प्लांट जब ऑक्सीजन के लगने थे 14 राज्यों में, जिला अस्पतालों में, उसका टेंडर भी केंद्र सरकार ही निकाल रही थी जिसमें 8 महीने का विलंब हुआ, यह भी आपने किया। और जब चारों तरफ बर्बादी का माहौल दिखने लगा तब आप नजरें फेर के कहते हैं कि राज्य सरकारें जिम्मेदार है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए लोग घंटों ऑनलाइन या बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही। पूरे देश से ये रिपोर्ट्स आप हमें दिखा रहे हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता बता रहे हैं, हमारे अपने घर परिवार के रिश्तेदार मित्र साथी सब बता रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी, सवाल किससे पूछे जाए। ये कहते हुए कि सभी सड़कें और एक्सप्रेसवे जीवन रेखा है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। इन दोनों पर आरोप था कि ये उस गैर कानूनी रूप से एकत्रित भीड़ के सदस्य थे जिसने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला को अवरुद्ध कर दिया था और आवाजाही को रोक दिया था। ये मानते हुए कि यह असाधारण मामलों में से एक है जहां न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया और कहा कि सभी सड़कें, चाहे वे एक्सप्रेसवे हो, गांव की सड़कें या कॉलोनी की सड़कें, जीवन रेखा है। किसी भी बहाने, चाहे वो कितने भी उचित क्यों ना हो, किसी भी राजमार्ग, सड़क, गली या पथ को अवरुद्ध करने के लिए ना तो क्षमा किया जा सकता है और ना ही माफ या स्वीकृत। हालांकि वर्तमान प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के तथ्य और प्रकृति को देखते हुए सिर्फ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद होना आपराधिक कृत्यों को आमंत्रित नहीं करेगा। एडवोकेट अनुप प्रकाश अवस्थी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर मुठभेड़ों और गैर न्यायिक हत्याओं की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और रिकॉर्ड पर यह कहा है कि यूपी में पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में घोषणा की थी कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा, जो हमारे संविधान की मूल संरचना में निहित शक्ति के पृथक्करण के निहित आदर्शों और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अनुरूप नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए या आर्थिक मुआवजे के तौर पर एक निर्धारित अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग ये कहते हुए की गई है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 कहती है कि राष्ट्रीय प्राधिकार आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को न्यूनतम मानक वाली राहत के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसके तहत जान जाने की स्थिति में अनुग्रह राशि का प्रावधान भी शामिल होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के दफनाए गए कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के मुद्दे पर जवाब दे। अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 21 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों को दफनाने या दाह संस्कार के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। ये उल्लेख किया गया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों को अंतर्राज्यीय या अंतर जिला ले जाया जाना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।